तंदुरुस्ती विच असी स्वागत करदे आं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर एस नंदा जी दा। डॉक्टर साहब, अज असी तुहाडे नाल गल करना चाहुंदे आं पिगमेंटेशन बारे, जिन्हों असी आम लैंग्वेज विच कहिंदे आं छाइयां। सारिआं तों पहले सानूं इह दस्सो कि इह हुंदा क्यों है, कारण की है? डिंपल जी, इहदे कई कारण ने। पहलों तो सूरज की रोशनी अल्ट्रावायलेट लाइट, इहदा सब तों वड्डा कारण है। ओके, यूजली तुसां देखिआ होवेगा प्रेगनेंट लेडीज़ नूं, उहनां दे गल्लां ते पोठां दे उपर मत्थे दे उत्ते काले जे दाग पै जांदे ने, जिन्हों असी छाइया कह दौ, या साइंटिफिक लैंग्वेज असी कोलैजमा उन्होंने कहने। यह हारमोनल चेंजेस के कारण होंगे। इस्ट्रोजन एंड प्रोजिस्ट्रॉन दो हारमोन ने जिड़े जिन्हों का लेवल प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। मेनली यह दो कारण ने जिड़े रिस्पोंसिबल ने प्रेगनेंसी छाइया के कारण। जो ही प्रेगनेंसी हो जाती है, हौली हौली करके यह छाइया ज़्यादातर दूर हो जाती। अतिरिक्त लेडीज़ नू आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, वह भावें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेट की खराबी के कारण होवे, या एक्सिस मेंस्ट्रुएशन के कारण होवे, या जिहड़ियां पिल्स लैंदे ने कंट्रासेप्टिव पिल्स उहदे कारण, या कुछ इंटरनल मेलेनाइनसिस के कारण भी यह छाइया हो जाती है। तो कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप जिहदे अंदर ज़्यादा होंदियां ने कि किसी भी एज ग्रुप के अंदर होंदियां ने? जदों भी लड़कियां जवानी जी दहलीज ते पैर रखदियां ने, थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। तो जी सक्सेसिव प्रेगनेंसी के ज्यों ज्यों प्रेगनेंसीज होंदिया जांदियां ने, हौले हौले अछाइयां वधदियां चली जांदियां ने। एक तुहानूं मैं गल दस दिया, यह सारियां नूं नहीं होंदियां जी। कुछ लोग, कुछ स्पेसिफिक लोग होंदे ने जिन्हां दी स्किन ज़्यादा वाइट होंदी है, जिहदियां अल्ट्रावायलेट रेज़ ज़्यादा असर करदे ने, उन्हां नूं अछाइयां ज़्यादा होंदियां। कोई इहो जिहे हिंट या कोई इहो जिहे सिम्पटम्स ने जिहड़े कि सानूं दस सकदे ने कि प्रॉब्लम हो रही है? यह अचानक शुरू नहीं होंदा, होंदा हौली हौली है। लेकिन साढ़े कोल कॉन्शियस लेडीज़ जिहड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास है, वो उस वेले आ जाते हैं। जिहड़े पेंडू लोग ने, उन्होंने वास्ते कोई खास मायने नहीं रखता। जे ज्यादा हो जाए या कुड़ी ब्याह वाली है, तो वो डॉक्टर को जाते हैं। की ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाल इहदा कोई रिलेशन है? कैन वी क्योर दिस? डिंपल जी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारण छाइयों को छिपाया जा सकता है, गायब नहीं किया जा सकता। ओके, यह कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स क्षण भर वास्ते ते ठीक कर देनियां, लेकिन मुंह धोन दे बराबर फिर उसे बरकरार रहने। ओ छिप जांदे ने लेकिन गायब नहीं होंदे। जेड़ी गल कई बार वो हार्मफुल इफेक्ट भी ओदा होंदा, चमड़े नु खराब कर देंदे ने, चमड़ा छिल्ली जांदा है। चमड़े दी छाइयां गायब करदे करदे चिट्टे दाग हो जांदे ने। कई बार स्ट्रोंग कुछ इहो जिहियां दवाइयां होंदियां ने जिहड़ियां छाइयां ते लगाउण वास्ते होंदियां ने, उह जिथे ज्यादा लग जाए उत्थे जिकना ल्यूकोडर्मा या सफेद धब्बे पै जांदे ने। सफेद होना ज्यादा माड़ी गल है बनिस्पत काले। डॉक्टर साहब, ऐसा तुसी दस दिता कि कॉस्मेटिक्स यूज करके असी छाइयां नूं सिर्फ छुपा सकते हैं, मेडिकली इन्हां नूं किवें ट्रीट करिए? वॉट इज़ द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट? डिंपल जी, मेडिकल ट्रीटमेंट वास्ते पहलों तो वे कि असी अगों वधन ना दें। ओके, वास्ते सनस्क्रीनस जरूरी ने। अजकल ज़्यादातर लेडीज़ वर्किंग ने, घरों जाने के पहलों पूरे चेहरे ते गले ते सनस्क्रीन लगा लिया जाए अद्धा घंटा पहलों, ताकि जिहड़ियां किरणां पैनियां ने बाहर ਉਹਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲੋਸ਼ਨ ਦਾ SPF ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯੂਜ਼ੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ SPF ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਰੈਟੀਨੋਇਕ ਐਸਿਡ, ਕਾਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਸ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਚਮੜੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਛਾਇਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਜ਼ਲੀ ਡਿੰਪਲ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪੀਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਡਰਮੋ ਐਬਰੇਜ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि इहदा रिलेशन कुछ खाण पीन की चीज़ के नाल भी है, जिवें तुसीं कहा कि आयरन डिफिशेंसी तो भी हो जाते हैं, तो विच वी कैन क्योर बाय ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ आयरन, तो यह दसो कि कोई रिलेशन हैगा? खाण पीन दी चीज़ां दा जरूर रिलेशन है। कुछ बच्चों की न्यूट्रिशन पुअर होंगी जी, उही मैं गल कही जी, जी जितना हरिया सब्जियां, गाजर, नींबू, आंवला, जिन्हां विच विटामिन सी ज़्यादा होंदा वो खाण दे नाल ਚਮੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ
दे के उन्हें कंपनसेट कर देने हैं ताकि रूट काज उसका दूर हो जाए तो उपरों लगान वाली दवाइया के नाल नाल अंदरों भी बंदा ठीक होता चला जाए। डॉक्टर साहब, इस टॉपिक उत्ते तुसी साड़े स्रोतियां नूं इन्नी जानकारी दित्ती, इहदे लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।